इतनी तेज गर्मी में बनाई ये ठंडी ठंडी मैंगो आइसक्रीम घर पर सिर्फ और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बनती है और 2 मिनट की रेसिपी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिज़ा फूड डायरीज। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज हम घर पे बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम, मैंगो डिलाइट भी कह सकते हैं, और ये इतनी कोई मज़े की बनती है, मुँह में घुल जाने वाली आइसक्रीम। आपके बच्चे इस सीज़न में फरमाइश करते होंगे आइसक्रीम खाने की, तो बाहर से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब आप घर पे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टेबल स्पून कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड है, एंड 2 कप के जितना मेरे पास था दूध, वो हमने ऐड किया है एक पतीली में, और 4 टेबल स्पून शुगर। ये सब डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, दूध को बॉयल आने तक पकाएंगे। जब दूध पे बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हमने कस्टर्ड ऐड करनी है। फिर आपने स्पून को भी चलाते रहना है ताकि लम्स वगैरह ना बने। चैनल पर अभी नहीं है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मैं ये वाली आइसक्रीम कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप क्वांटिटी कम और ज़्यादा भी कर सकती हैं। पूरी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है फुल डिटेल्स के एंड साथ। अगर आपने एज एग्जैक्ट इस वीडियो को फॉलो किया तो यकीनन आपको फील ही नहीं होगा कि ये आइसक्रीम आपने घर पे बनाई है या बाहर से ली हुई है। कस्टर्ड को पकाने के बाद जब इतना पकाएंगे कि कस्टर्ड में जब बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रीज़र में। मैंगो सीजन है तो अपने बच्चों के लिए ये वाला मीठा ज़रूर बनाइए, और इस ईद पर बनाइए अपने घर पर, अपने मेहमानों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। उनको बहुत अच्छा लगेगा, एक नई रेसिपी उनको मिल जाएगी। जिस तरह की तेज़ गर्मियाँ चल रही हैं तो किचन में आधा घंटा भी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज़ है। तो जल्दी से ऐसी कोई रेसिपी बनाएं जो आपके बच्चों को पसंद आए और आपको भी बाहर जाना ना पड़े। तो ये वाली रेसिपीज़ शॉर्ट शॉर्ट रेसिपीज़ हैं, लेकिन मज़े की हैं। एंड अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहीं पर फॉलो करें, मेरे अकाउंट से फिज़ा फूड डायरी से। जब तक मैंगो की कटिंग शटिंग हो रही है, तब तक हम वेट करते हैं कि कस्टर्ड भी ठंडी हो जाए, फ्रीज हो जाए। 1-2 घंटे तकरीबन हो चुके हैं और कस्टर्ड को मैंने फ्रीज़र में रखा था, अब कस्टर्ड ठंडा हो गया है तो मैं ले आती हूँ किचन में, और मैंगो की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम बस अब ये दोनों ही चीज़ों को जूसर के जग में ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। आइसक्रीम वाली डिब्बे में आइसक्रीम को फ्रीज होने के लिए रख देंगे, और साइड से अच्छी तरह से फिनिशिंग करेंगे ताकि आइसक्रीम बहुत अच्छी से फ्रीज हो जाए एंड खूबसूरत भी लगे। हम यहाँ पर फ्रीज होने के लिए रख देंगे ओवरनाइट, जब तक ये अच्छी तरह से फ्रीज नहीं हो जाती तब तक आपने कोई भी हाई हेलो नहीं करनी, क्योंकि आइसक्रीम जमने के बाद ही अच्छी लगती है। ये थी आज की क्विक एंड सिंपल सी रेसिपी, सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ये बन जाती है आइसक्रीम। अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं इस सीज़न में, मैंगो सीज़न में, और बल्कि आज ही बनाएं क्योंकि ये बहुत इजी रेसिपी है। आप अगर एज एग्जैक्ट फॉलो करेंगे तो आपसे भी बहुत अच्छी आइसक्रीम बन जाएगी। ये आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैं जाकर फ्रीज़र में रखती हूँ और फिर सुबह का वेट करती हूँ। तो जी, सुबह भी हो गई है और आइसक्रीम को मैं ले आई हूँ खाने के लिए किचन में। इस ठंडी ठंडी गर्मी वाले मौसम में अपने बच्चों के लिए ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत मज़े की है, इतनी मज़े की बनी है, इतनी टेस्टफुल बनी है, मुँह में घुल जाने वाली आइसक्रीम।